नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 16 जून 2023 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है शुक्रवार का है, शोभन नाम संवत्सर है, सूर्य का उत्तरायण चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु है, ज्येष्ठ महीना है, कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि है, नक्षत्र कृतिका है, योग धृति है। दिन का जो करण है वह वर्णी है और जो रात का करण है वह विष्टि है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा सुबह 7:22 से लेकर 9:04 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से लेकर 12:51 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा सुबह 10:45 से लेकर 12:27 तक और यमकंड काल दोपहर 3:50 से लेकर 5:32 तक का होगा। राहु काल और यमकंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा संपूर्ण दिन वृषभ राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा शुक्र के साथ लाभ योग करने जा रहा है, शनि के साथ केंद्र योग करने जा रहा है, उसी प्रकार बुध के साथ युति योग भी करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में से शुक्र के साथ लाभ योग करने जा रहा है और लाभ भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपकी महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट हो सकती है, पैसे के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय भी आज के दिन आप ले सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी हारमोनी बहुत ही अच्छे देखी जाएगी। सिर्फ आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन दिन काफी अच्छा है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि में चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के राशि में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। तृतीय भाव में स्थित मंगल के साथ लाभ योग करने जा रहा है और दशम भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, उसी प्रकार आज का जो दिन है आपको अनपेक्षित लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं, लेकिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड छोटे मोटे स्ट्रेस आज के दिन आपको आ सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के वैय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वही पर स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आपके भाग्य भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। आज का जो दिन है थोड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। खास करके आपको आपके जो स्पेंडिंग रहेंगे उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। स्पेंडिंग आज के दिन ज़्यादा हो सकती है तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आज का जो दिन है थोड़ा ऐसा एग्जॉस्टिंग हो सकता है, घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वही पर स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और अष्टम भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे मुलाकात हो सकती है, घूमना फिरना हो सकता है, गपशप हो सकती है, कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आज आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वही पर से बुध के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके वेय भाव में से शुक्र के साथ लाभ योग करने जा रहा है
और सप्तम भाव में से शनि के साथ या चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी हारमोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। कुछ नई बातें आपके सामने आ सकती है जो कि आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो सकती है। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेट का घूमना फिरना भी हो सकता है। लेकिन अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़दार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वही प्रसिद्ध बुध के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। लाभ भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और षष्ठ भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए। आज आपका जो कॉन्फिडेंस है वह काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, लाभ भी कुछ अच्छे हो सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको कुछ अच्छी सहायता मिल सकती है, कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वही प्रसिद्ध बुध के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। दशम भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आपके पंचम भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वही प्रसिद्ध बुध के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में से शुक्र के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आपके तृतीय भाव में आपके चतुर्थ भाव में से शनि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आज आपकी हारमोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, लेकिन घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वही प्रसिद्ध बुध के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में से शुक्र के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आपके तृतीय भाव में से शनि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके अगर आप विवाहित हैं तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और यह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वही प्रसिद्ध बुध के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। सप्तम भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आज आपकी हारमोनी बहुत अच्छी देखी जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए भी नज़र आएंगे। आज का जो दिन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके वाईवाई जोड़ीदार के साथ भी आज आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी देखी जाएगी। खास करके आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट नहीं करना। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वही प्रसिद्ध बुध के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आपके तृतीय भाव में से और आपके राशि में से शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आज का जो दिन है आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी, लेकिन घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वही प्रसिद्ध बुध के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। पंचम भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आपके व्यय भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम भी आप कर सकते हो।
अगर आप किसी के रिलेशनशिप में, तो उनके साथ भी आज आपके हारमोनी काफ़ी अच्छे देखे जाएंगे। आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम नहीं करना, लोन लेना या फिर कोई भी कमिटमेंट प्रोमिसेस भी नहीं करना। तो दोस्तों, ये था दिनांक 16 जून 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।